हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंट्राडे गाइड। सो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि मैंने बहुत टाइम बाद वीडियो डाली है, पर गाइस मेरे कुछ स्पेसिफिक रीजंस थे जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था यूट्यूब पे और किसी भी वर्क के लिए। सो गाइस, अब मैं बैक आ गया हूँ, तो आई एम ऑन माई बैक। सो गाइस, अब मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोज डालूंगा। और गाइस, जो आप पहले से वीडियोज मेरी स्टार्टिंग से देख रहे थे, जिसमें मैं आपको पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में बताता था कि जो कल स्टॉक्स बाय सेल करके आपको चलने हैं, और उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता था, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन पे भी बताए थे। तो गाइस, वो वीडियोज मैंने वापस स्टार्ट कर दिए है, और रेगुलरली बेसिस में अब आपको वो वीडियोज मिलेंगी कि अगले दिन मार्केट में क्या परफॉर्मेंस रह सकती है। निफ्टी बैंक निफ्टी में हम स्ट्रेटेजीज डिस्कस करेंगे, और हम एक खास चीज और करेंगे कि वीकली बेसिस में हम ऑप्शंस लेकर चलेंगे कि इस पूरे वीक आपको ये ऑप्शंस होल्ड करके रखने हैं, जो अराउंड आपको पड़ेंगे 15 to 20,000 रुपीस के, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और गाइज, आपको ये अच्छा खासा रिटर्न वीकली बेसिस के अंदर दे सकती है। तो कल मैं आपके लिए वो ऑप्शन, दो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज लेकर आऊंगा जो आपको इस वीक के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के दे सकती है। गाइज, अब मैं आपके साथ स्टॉक्स के बारे में शेयर करना चाहूंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, जो मार्केट में न्यूज चल रही है, रीसेंट न्यूज, जिससे हमारी वीकली मार्केट, जो आने वाली नेक्स्ट वीक की मार्केट है, वो इफेक्ट हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारा प्रीवियस वीक गया है, उसमें निफ्टी ने 490 पॉइंट्स का जंप लिया है। गाइज, 490 पॉइंट्स अराउंड पड़ते हैं, 4.3% का निफ्टी ने जंप लिया है प्रीवियस वीक के अंदर। उसका रीजन ये था कि मार्केट में न्यूज आई थी कि आरबीआई ने 40,000 करोड़ पीएसयू बैंक्स के अंदर इन्फ्यूज करे हैं, जिसकी वजह से मार्केट को एक ये पॉजिटिव न्यूज लगी, और मार्केट के साथ साथ ये पॉजिटिव न्यूज के साथ साथ हमने देखा कि हमारी जो इंडियन रुपीज है वो अप्रिशिएट हो जा रही है, और जो ब्रेंट ऑयल या जो क्रूड ऑयल है वो गिरे जा रहा है। ये तीनों अच्छी न्यूज मिलकर हमारी मार्केट को 490 पॉइंट्स का जंप दिला गई। गाइस, अभी भी न्यूज बनी हुई है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिर रहे हैं, पर आप देख सकते हैं कि G20 समिट में पीएम मोदी गए हुए हैं, वहां पर ट्रंप भी है, वहां पर प्यूटिन भी, रशिया के भी प्रेसिडेंट है, और वहां पर सऊदी अरेबिया के भी प्रिंस है। गाइज, वहां पर एक पॉइंट हम देख सकते हैं कि आ सकता है कि ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं बड़े, रशिया के भी और सऊदी अरेबिया और यूएस के भी, तो वो लोग एक बात चला सकते हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस को अब ज्यादा ना गिराए और उन्हें अब बढ़ने का मौका दे। गाइज, अगर क्रूड ऑयल वापस बढ़ना शुरू हो गया तो वो हमारे कुछ पर्टिकुलर सेक्टर में इम्पैक्ट डाल सकता है, और वो हमारे स्टॉक मार्केट में भी इम्पैक्ट डाल सकता है। तो एक वो रीजन है जिसकी वजह से G20 समिट में हम देख सकते हैं कि हमारी मार्केट में इफेक्ट आ सकता है। गाइज, दूसरा जो G20 समिट में एक चल रहा है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप और जो चाइना के प्रेसिडेंट है, उनके बीच में जो एक टैरिफ ट्रेड वॉर चल रहा है, उसके बीच में वो लोग समझौता करने की बात चल रहे हैं। अगर ये G20 समिट खत्म होता है और पता चल जाता है कि इन दोनों कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स के बीच में समझौता हो गया है और वो लोग रेडी हो गए हैं जो भी उनका टैरिफ पॉलिसी थी उनको प्लान करने के लिए एक साथ मिलकर, सो गाइज, वो हमारी मार्केट को एक बहुत अच्छे तरीके से इम्पैक्ट कर सकती है पॉजिटिव वे के अंदर। तो ऐसी कुछ बहुत सारी न्यूज़ेज हैं जो मैं आपको डेली बेसिस में बताते रहूंगा। अभी और भी न्यूज़ेज हैं, पर मैं आपको कल वो न्यूज़ बताऊंगा। अभी हम सिर्फ स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने आपके लिए 5 इंट्राडे स्टॉक्स सिलेक्ट करे हुए, यस बैंक, कैनरा बैंक, एलएनटी, इन्फोटेक, एनएमडीसी और एमसीएक्स। सो गाइस, ये 5 स्टॉक्स में आपको क्या करके चलना है, यस बैंक आपको बाय करके चलना है। जिस तरीके से हम देख रहे थे कि यस बैंक के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आ रही थी, पर एक फॉलिंग आने के बाद हमने देखा था, एक उसने जो नेक लाइन होती है नीचे की ओर, उसे ब्रेक कर दिया था, और ब्रेक करने के बाद अगले दिन ही अपने उसमें एक अपमूव आते हुए देखी थी। सो गाइज, वो एक फॉल्स ब्रेकडाउन हो सकता है हम कह सकते हैं, और वहां से वो एक वापस ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर सकता है। कल हमें बस देखना है कि अगर यस बैंक ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होता है, कल यानी कि मंडे सेशन में हमें देखना है, अगर यस बैंक ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होता है तो हम देख सकते हैं एक बहुत बढ़िया हमें स्ट्रांग सपोर्ट मिल जाएगा यस बैंक के लिए, और यस बैंक भी हमें इस मंथ के अंदर, इस एक्सपायरी के अंदर हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के दे सकता है। सो यस बैंक को हम बाय करने की ही सलाह देंगे। यस बैंक को मैं आपको बाय करने की सलाह दे रहा हूँ विद अ टारगेट ऑफ 174-179, स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है 164 का करके चलना है। करंट प्राइस आपको 170 का दिख रहा होगा। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, कैनरा बैंक की बात कर रहे हैं, कैनरा बैंक को मैं आपको सेल करने की सलाह दूंगा। टारगेट आपको 252-247 के मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली 261 का मेंटेन करके चलना होगा कैनरा बैंक के अंदर। एलएनटी इन्फोटेक एलआईटी सेल करने की ही आपको सलाह दी जा रही है, 1561-1556 का आपको टारगेट, स्टॉप लॉस आपको 1586 का लगा कर रखना पड़ेगा। इसमें मैंने आपको स्टॉप लॉस थोड़ी दूर का दिया है, अभी भी मैं कह सकता हूं कि अगर आप लोग रिस्क ले सकते हैं स्टॉक के अंदर तो आप 1593 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, और ये आपको अच्छे खासे टारगेट्स एक या दो दिन के अंदर अचीव होते हुए दिख सकते हैं। जब हम बात करेंगे एनएमडीसी के बारे में, बहुत ज्यादा ही बढ़िया इसने अपना स्ट्रांग सपोर्ट बनाया हुआ है,
और वो स्ट्रांग सपोर्ट जो हम आपको कह सकते हैं वो है 93 के नीचे, 93 एक हमारा स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर बाय चांस 93 या 92.50 को तोड़ता है तो हम कह सकते हैं उसमें एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, पर जिस तरीके से उसे टच करके हमने देखा कि उसमें बाउंस बैक आ रही है तो हम कह सकते हैं कि एनएमडीसी इस सीरीज का बहुत बढ़िया बाय है। और अभी जो मैं आपको मंडे मार्केट के लिए बेट दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ मैं टारगेट आपको 97.4 का, स्टॉप लॉस आपको 93 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा एनएमडीसी के अंदर। एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में हम देख सकते हैं कि हमें बाय करने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि एक जो उसका रेजिस्टेंस टाइप था जो वहां पर एक सपोर्ट ले रहा था, बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था, आज उसकी नेक लाइन को उसने ब्रेक करा है। हम कह सकते हैं कि शायद वो मंडे के मार्केट में वो उस नेक लाइन के पास आने की कोशिश करे और हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे। अगर बाय चांस हम देखते हैं कि वो वापस गिरना शुरू होता है और हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है तो आपको मैं नेक्स्ट डे यानी कि आपको BTST की सलाह दूंगा, आप MCX में बाय करके जरूर चलिएगा। और अगर ये मार्केट में वापस बढ़ना शुरू होता है तो आपके सामने टारगेट्स और स्टॉप लॉस ही मेंटेन है। टारगेट्स आपको 742-754 का लगा के चलना, स्टॉप लॉस आपको 2726 का मेंटेन करना होगा। गाइस हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। इसमें मैंने आज आपको टारगेट और स्टॉप लॉस इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि मैं आपको निफ्टी का भी चार्ट दिखाने वाला हूं, उस चार्ट में आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि मार्केट और निफ्टी का आउटलुक क्या रहने वाला है। अभी आपको मैं जो रेंज बता रहा हूं से 10,740 और 10,940 का, उस रेंज का भी मैं आपको बता देता हूं क्या मतलब है जो चार्ट में निकल के आ रहा है, तो ये रेंज आप याद कर लीजिए या नोट कर लीजिए। और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो उसका भी रेंज हम जो निकाल सकते हैं 26,600 या 26,580 का, और अपसाइड की ओर हम देख सकते हैं 27,075 का। गाइस अब मैं आपको निफ्टी का चार्ट्स में लेकर जाना चाहूंगा, उसमें आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्या बॉटम वो बना के अपमूव दे रहा है और क्या वो पैटर्न डेवलप करने की कोशिश कर रहा है जो हम एज्यूम करके चल रहे हैं। सो गाइस बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ। लगते हैं कि यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, ये मैंने एक वीकली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है आप देख सकते हैं। तो अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर, सिर्फ जो मैंने आपके साथ पहले भी आपको स्टॉक्स में अपने वीडियोस में बताता था कि सिर्फ मैं ट्रेंड लाइन बेसिस पे और मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे ही आपको बताता हूँ कि मार्केट का ट्रेंड क्या रह सकता है। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने यहाँ पर 3 मार्च को यहाँ पर एक बॉटम बनाया था अराउंड 9996 का, और वहां से हमने एक वापस अपमूव आते हुए देखी थी यानी कि 10,000 के अराउंड। और उसके बाद भी हमने देखा था कि 10th ईयर मंथ में उसने वापस अपना लो मारा था 10,003 का। सो गाइज आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर डबल बॉटम मारा और उसके बाद हमने एक बाउंस बैक आते हुए देखा वीकली चार्ट्स के अंदर। वीकली चार्ट्स के बाद हमने देखा कि यहाँ पर एक अगर हम ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते थे तो ट्रेंड लाइन पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका बनते हुए आ रहा था और हमें पता था कि 10,000 से ये एक रिवर्स दे सकता है। हम जब इसने रिवर्स दिया तो उसके बाद हमने एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी जो यहाँ पर एक निकल के आ रही है अराउंड 10,940 या 10,960 के आसपास। सो गाइस आप देख सकते हैं ये इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जिसे वीकली चार्ट्स में निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है एक महीने के कंसोलिडेशन के बाद। अब ब्रेक करने के बाद हमारे लिए जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनते हुए आ रहा है वो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो कि है 10,740 का। अगर 10,740 को निफ्टी रिस्पेक्ट करता है तो हम कह सकते हैं कि इस हफ्ते या अगले हफ्ते के आसपास निफ्टी 11,000 के लेवल को आराम से टेस्ट कर लेगा और जो एक हाई मार सकता है वो हाई अराउंड मार सकता है इस लेवल पे जो कि है 11,180 या 11,200 का लेवल। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ, पर ये बहुत आसानी से टेस्ट नहीं करेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ इस हफ्ते टेस्ट नहीं करेगा, ये महीना लग सकता है, दिसंबर सीरीज लग सकती है 11,200 को टेस्ट करने में। और रीजन ये है कि आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन यहाँ बनती हुई आ रही है जो 10,940-960 के आसपास सपोर्ट ले रही है। अगर हम बात करते हैं RSI की, RSI भी हमें 52 शो कर रहा है जो कि बोल रहा है कि अनचेंज है, ना ऊपर की तरफ हमें अपसाइड दिख रही है ना नीचे की तरफ अपसाइड दिख रही है, कंसोलिडेशन जोन में जा चुका निफ्टी। तो हम कह सकते हैं कि 10,740 और 10,940 के बीच में अभी मार्केट घूम सकती है, इसके आसपास ही रेंज में हमें जाते हुए दिख सकती है। तो गाइस अगर बाय चांस निफ्टी 10,940 को ऊपर क्रॉस करके उसके ऊपर रुक जाता है और उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो बनते हुए आएगा वो 11,200 का बनते हुए आएगा। गाइस अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि 11,200 ही क्यों, उससे ऊपर क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसने एक हेड बनाया था जो मैं आपको अपनी सारी वीडियोस में इस पैटर्न्स के बारे में बता चुका हूँ, हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने एक अपना हेड बनाया, उसके बाद अपना शोल्डर बनाया,
शोल्डर बनाया, उसके बाद अपना हेड बनाया, फिर ये अपना एक वापस शोल्डर बनाने जा रही है। शोल्डर हम कैसे कह सकते हैं बनाने जा रही है, क्योंकि जो इसका बेस है वो बिल्कुल सेम है, एग्जिट सेम प्राइस पे, इसने कुछ पॉइंट्स डिफरेंस प्राइस पे अपना एक बेस बनाया है। और जो ये अप मूव दे रहा है, मुझे सराउंडिंग्स के हिसाब से लग रहा है कि चार्ट्स के हिसाब से लग रहा है कि 11,200 का ये टारगेट अचीव कर सकती है इस एक्सपायरी के अंदर अंदर, पर उसके ऊपर जाने की इसकी कैपेसिटी नहीं लग रही है। और वापस वहां से हम एक करेक्शन स्टार्ट होते हुए देख सकते हैं। ये सिर्फ मेरा एग्जम्पशन है, आगे पता नहीं इस महीने के अंदर कौन से नए पैटर्न्स डेवलप होते रहे डेली या आली चार्ट्स के अंदर, तो वो भी मैं आपको चांस बाय चांस बताते रहूंगा। पर जैसा वीकली चार्ट्स मुझे सजेस्ट कर रहा है कि ये एक कंसोलिडेशन जोन में जा चुका है, अगर इस लेवल को तोड़ता है तो हम वापस नीचे कंसोलिडेशन जोन में चले जाएंगे, करेक्शन के जोन में चले जाएंगे। अगर ये 10,960 को तोड़ता है तो भी हम कह सकते हैं कि वापस ये 11,200 के टारगेट को अचीव कर सकता है, और उसके बाद वो सेकंड शोल्डर बना के अपने वापस बॉटम की तरफ आ सकता है। सो गाइज, ये मैं एक एजम्पशन लेकर चल रहा हूँ, आप इसमें मत मानिए। अगर आपको 740 के आसपास निफ्टी मिलता है कभी भी, तो आप वहां से बाय कर सकते हैं, कॉल ऑप्शंस उठा सकते हैं, एक रिस्की ट्रेड लेके। और आपको वेट करना होगा कि 11,000 का टारगेट आपको, 11,200 का टारगेट आपको इस एक्सपायरी के अंदर शायद अचीव होते हुए दिख जाए। सो गाइज, ये थी मेरी एनालिसिस। अब देखते हैं मंडे के ट्रेड में हमें क्या देखने को मिलता है। कल मैं आपके लिए ऐसे दो ऑप्शन स्टॉक्स लेकर आने वाला हूं जो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कुल 10,000 से कम की ही लगेगी, पर ये आपको कम से कम 50,000 का फायदा देख सकते हैं। गाइज, ये इन्वेस्टमेंट्स इसलिए हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादातर लोग जो मार्केट में घुसना चाहते हैं वो 10,000 रुपये के साथ ही अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं, पर वो जब अपनी इन्वेस्टमेंट्स लगाते हैं तो वो स्टॉक्स खरीदते हैं, वो स्टॉक्स 500-600 खरीदते हैं और एक एक दो रुपए के लिए वेट करते हैं और निकल जाते हैं। पर ये आप होल्ड करके रखेंगे वीकली के अंदर तो आपको अच्छा खासा फायदा देगा। रिस्क आपका ये है कि आपको 4,000 से 5,000 का रिस्क होगा, पर आपको ये अच्छा खासा फायदा दे सकता है, आपकी इन्वेस्टमेंट का 3 या 4 गुना भी आपको ये आने वाले टाइम में दे सकता है, इस एक्सपायरी के अंदर आपको दे सकता है। सो गाइस, वो मैं आपके साथ स्टॉक्स कल ट्रेड करूंगा, आपको कल बताऊंगा। सो गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे कल एक नई अगली वीडियो के साथ। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप मेरे चैनल के साथ वापस बनना चाहते हैं, वापस जुड़ना चाहते हैं, और ये स्टॉक्स मैं आपके साथ हर दिन लेकर आते रहूंगा और पूरी एनालिसिस के साथ आपको बताया करूंगा कि कौन सी न्यूज मार्केट में चल रही है जो हमारे मार्केट या हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट कर सकती है, और आपको इंडिया की नहीं इंडिया के बाहर की भी न्यूज दूंगा जिससे आपका जो माइंड है वो बिल्कुल स्टॉक मार्केट की तरफ ओपन हो जाए और आप बिल्कुल लॉजिकली सोचे, एजुकेशनली सोचे, यानी कि ये ना सोचे कि अब मैं इसे बाय कर लेता हूं और आपको ये भी ना पता हो कि आपको स्टॉक बाय क्यों करना है और सेल क्यों करना है विदाउट एनी रीजन। सो गाइस, अगर मेरे चैनल के साथ अब बने रहेंगे, आप हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लेकर जाएंगे, तो इस प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा जिससे आप मेरी लेटेस्ट अपडेट्स वीडियोज के साथ हमेशा जुड़े रहें। सो गाइस, मैं आपसे मिलता हूँ कल नई अगली वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।